लखनऊ के मोहनलालगंज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा, साथ ही चंदौली में हुई घटना को लेकर भी सरकार को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री जी को दौरा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है उसके लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। अगर केजीएमयू में बजट नहीं होगा, बजट लोहिया इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बजट अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होगा, बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं होगा, राजधानी के अस्पतालों का अगर ये हाल होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। सबसे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इन अस्पतालों को पर्याप्त बजट देना चाहिए, तब जाकर के जनता को इलाज मिलेगा, तब जाकर जनता को दवाइयाँ मिलेंगी। देखिए, बुलडोजर तो केवल डराने के लिए चला रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये संविधान नियमों को और कानून को सरकार नहीं मानती है, और ये बात साबित हो गई बुलडोजर चला करके कि ये सरकार न कानून को मानेगी, न नियमों को मानेगी, न कोर्ट के किसी आदेश को मानेगी। इसलिए सरकार जानबूझ करके बुलडोजर चला रही है, और अगर बुलडोजर चलनी है तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, अपने नेताओं के जो घर मकान बने उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? मुकदमा दर्ज हो गया है संबंधित थाने के अभिषेक भाई, हाँ इंस्पेक्टर थे उनको, ओके ना, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। अखिलेश यादव जी बॉक्सायर हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूँ और परिजनों को सांत्वना दे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।